बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दो टूक, सम्मानजनक सीट मिली तभी समाजवादी पार्टी से होगा गठबंधन, नहीं तो अकेले लड़ेंगे हम चुनाव। जब हमारी पार्टी को समझौते हुए गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, वरना फिर हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर समझती। मायावती ने कहा, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन को हम तैयार, पर सम्मान से कोई समझौता नहीं। मायावती ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना, बोली मेरा किसी से भाई बहन बुआ भतीजा नहीं। नौजवान दिखाने के लिए भी, यंग दिखाने के लिए भी जबरदस्ती का मेरे साथ कभी भाई बहन का तो कभी बुआ भतीजे का, कभी भी पूरे तो पूरे पूरे तह दिल व पूरे सम्मान के साथ रिश्ता कायम नहीं हो सकता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री, नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी में नीतीश ने किया ऐलान, बिहार एनडीए में सीटों पर समझौता हुआ फिक्स, बोले सम्मानजनक समझौता हुआ है बीजेपी से। नीतीश ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द हम औपचारिक घोषणा करेंगे, लेकिन चर्चा हो चुकी है। दशहरे के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार संभव, नीतीश कुमार ने दिए संकेत। पेट्रोल मिलने वाले बयान पर अठावले को अफसोस, कहा मैं माफी मांगता हूं। अठावले ने कहा था फ्री में मिलेगा पेट्रोल। मिशन राजस्थान के दौरे पर अमित शाह ओबीसी सम्मेलन में बोले, बीजेपी किसी एक जाति की पार्टी नहीं। अमित शाह का राहुल पर निशाना, बोले कांग्रेस अध्यक्ष जवाब दें, घुसपैठियों को क्यों नहीं भगाना चाहिए। घुसपैठिये घुस आते या नहीं आते जरा बोलो भाई जोर से, उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो पानी में राहुल बाबा है तो पूछेंगे आप, क्यों घुसपैठियों का पक्ष लेते हो पूछेंगे। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने पिछड़े समाज को कभी नहीं दिया इंसाफ, जबकि बीजेपी राज में पिछड़ों के बदल गए हैं दिन। पाली के बाद जोधपुर में बीजेपी अध्यक्ष का कल चुनावी दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की तैयारी, कार्यांजलि सेवा के तहत लगाए जाएंगे मेडिकल कैंप्स, कल काशी में रहेंगे मोदी। मोदी वाराणसी को देंगे 500 करोड़ की भेंट, पुरानी काशी के लिए समावेशित ऊर्जा विकास योजना का करेंगे शिलान्यास। मोदी बीएचयू में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी योजनाओं का करेंगे अनावरण, वाराणसी में लोगों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता, बोले कानून नहीं बना तो विकास नहीं होगा। गिरिराज बोले, आज देश के 54 जिलों में हिंदुओं की तादाद घटी। बीजेपी 17 सितंबर से 25 सितंबर तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाएगी काव्यांजलि सेवा सप्ताह। फ्री में पेट्रोल मिलने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को अफसोस, कहा मैं माफी मांगता हूं। शनिवार को अठावले ने कहा था, तेल के बड़े दाम से मुझे कोई परेशानी नहीं, मंत्रियों को मिलता है मुफ्त में पेट्रोल। दिल्ली के गोकुलपुरी में सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तोड़ दिया सीलिंग का ताला, बोले जेल जाने से नहीं डरता। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पूर्वी एमसीडी ने इस घर को किया था सील, जिसे मनोज तिवारी ने तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी पर साधा निशाना, अलका लांबा ने एमसीडी और पुलिस से तुरंत मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में 3 में से 1 मुख्य आरोपी निशु गिरफ्तार, 2 फरार। गैंगरेप का 1 आरोपी सेना में तैनात, हरियाणा एसआईटी की टीम कर रही है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश, 1 टीम कोटा के लिए रवाना। एसआईटी ने रेप कांड के आरोपियों के 2 मददगारों को भी दबोचा, 1 डॉक्टर और वारदात वाले घर का मालिक भी गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के एसपी का किया ट्रांसफर, मुख्यमंत्री का दावा जल्द सलाखों के पीछे होंगे सभी आरोपी।
गैंगरेप पीड़ित की मां ने मुआवजे का चेक लौटा दिया, बोली मुझे मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। फतेहाबाद में बाबा राम रहीम के खिलाफ शिकायत करने वाले हंसराज चौहान गारू, केस वापस लेने के लिए पैसों का मिला जबरदस्त ऑफर। बात नहीं मानने पर धमकी भी मिली, पुलिस ने आरोपी डेरा प्रेमी राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में एएसआई के बेटे पर मारपीट के आरोप में लड़की का खुलासा, शिकायत के बावजूद पुलिस ने एएसआई को नहीं किया गिरफ्तार। पीड़िता का खुलासा, दिल्ली पुलिस के एएसआई ने लड़की के वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करने की दी धमकी। यूपी के सहारनपुर में हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर उर्फ रावण का भीम आर्मी ने किया जोरदार स्वागत, रावण ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट का कब्जा, सभी चार सीटों पर जीते लेफ्ट उम्मीदवार। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव संयुक्त सचिव के पद पर लेफ्ट का कब्जा, जश्न में छात्र। चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर, पिछली बार एक सीट जीती थी एबीवीपी। गोवा में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं, मनोहर पर्रिकर बने रहेंगे मुख्यमंत्री, गोवा बीजेपी अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने दिया बयान। झाबुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों का घपला, खुलासे के बाद ऑफिसर्स में हड़कंप। पश्चिम बंगाल के नादिया में पटाखों की फैक्ट्री में भीषण आग, दो की मौत। असम मेघालय बॉर्डर पर हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार, असम मेघालय पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 48 घंटे में सुरक्षा बलों ने चार संदिग्ध आतंकवादियों को दबोचा। रन रेप मामले में केरल पुलिस ने बिशप फ्रैंको को भेजा समन, शिकायत के करीब 3 महीने के बाद हरकत में आई है अब पुलिस। वाराणसी में युवा कल्याण अधिकारी की परीक्षा का पेपर लीक होने पर आरोप, परीक्षा से कई घंटे पहले मोबाइल पर 20 परीक्षार्थी उत्तर लिखते हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में मुजफ्फरनगर से एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। डेटा में हेर फेर कर करीब 20 करोड़ के खाद्यान्न घोटाले में यूपी एसटीएफ की पहली कार्रवाई, लखनऊ से पकड़े गए 3 आरोपी। असम में 48 घंटे के अंदर 4 आतंकवादी गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन से लिंक जुड़े होने का शक। गाजियाबाद में बड़ा हादसा, फैक्ट्री के बेसमेंट की सफाई करते हुए 3 कर्मचारियों की मौत। बिहार के गया में कन्या हाई स्कूल से उत्तर पुस्तिकाओं की चोरी के केस में 2 गिरफ्तार, 16,000 कॉपियां हुई थी चोरी। बिहार के समस्तीपुर में ज्वेलर्स के घर दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट, गुस्साए लोगों ने रास्ता चयन किया। गाजियाबाद के भोजपुरा में जीडीए के खिलाफ भारत सिस्टी सोसाइटी के लोगों की नारेबाजी, सड़क न बनने से गुस्से में हैं लोग। यूपी के खुर्जा में रंगदारों की दबंगई, रंगदारी न देने पर कारोबारी के घर के बाहर की फायरिंग। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 7 देसी पिस्टल बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में लालची बेटे ने पिता की हत्या कर दी, जायदाद के लालच में पिता को चाकू मार दिया। यूपी के बस्ती में सड़क छाप, मजनूओं का आतंक, स्कूली छात्रा ने पुलिस की सुस्ती पर एसपी को लिखा पत्र, आत्महत्या करने की बात लिखी। मध्य प्रदेश के भिंड में पति ने पत्नी की हत्या की, बेटा नहीं पैदा करने पर जान ले ली और हुआ फरार। हरियाणा के रोहतक में 11वीं की छात्रा की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। दिल्ली के नाइट क्लब में जमकर मारपीट, मालिक को बदमाशों ने पीटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के कानपुर में वर्दी वाला बना तमाशा, नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर किया हंगामा। आगरा में जूनियर डॉक्टरों की दादागिरी, शराब नहीं मिलने पर मचाया उत्पात, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के महाराजगंज में स्कूली छात्रा से छेड़खानी का वीडियो वायरल, पीड़ित परिवार की गुहार, अब तक पुलिस है चुप। बरेली में बनचले बेखौफ, अश्लील हरकत, छेड़खानी के डर से 9वीं की छात्रा ने छोड़ दी पढ़ाई, विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा।
बिहार के चंपारण में पुलिस वाले को बंधक बनाकर पीटा गया। जमीन विवाद के मामले की जांच के लिए पहुंचे एएसआई की भी पिटाई, धरपकड़ शुरू। दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के स्मार्टफोन पर लगा दी पाबंदी, पढ़ाई का समय नष्ट होने का दिया हवाला। तमिलनाडु के पुडुकुटई में बीजेपी नेता एच राजा ने पुलिस से बहस की, हिंदू विरोधी होने का लगाया आरोप, अदालत पर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली में बिल्डर की मनमानी के खिलाफ घर खरीदारों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया ढुलमुल रवैये का आरोप। डीआरआई ने करीब 2 किलो गोल्ड पेस्ट बरामद किया। स्पाइस जेट की फ्लाइट हैदराबाद से राज समुद्र जा रही थी, 40 लाख आंकी गई कीमत। जशपुर के सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस का रिसाव, 5 की मौत। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के दूसरे मैच में आज पाकिस्तान हांगकांग आमने सामने, हांगकांग की पहले बल्लेबाजी, पूरी टीम 116 पर हुई आउट, एजाज खान ने बनाए 27 रन। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने लिए 3 विकेट। दुबई पहुंचे टीम इंडिया के बाकी बचे 6 खिलाड़ी, अम्बातू रायडू ने माना विराट की कमी टीम को खलेगी। कल दुबई में आज तक के मंच पर लगेगा क्रिकेट के दिग्गजों का मेला, 11 क्रिकेटर जिसके साथ कल आज तक पर पूरे दिन देखिए सलाम क्रिकेट। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद महाशक्तिशाली तूफान मंगुखुत ने किया चीन का रुख, चीन में हवाओं से दहशत। चीन में ग्वानडोंग शहर की इमारतों के अंदर समंदर का पानी, घरों में मची भारी तबाही। चीन के शेंजेन और ह्यूजाओ शहर में तूफान का जबरदस्त तहर, कई पेड़ उखड़े, समंदर में कई फीट ऊंची उठी लहरें। हांगकांग मकाऊ में भी तूफान ने मचाई तबाही, सभी इलाकों में मची अफरा तफरी। चीन से पहले फिलीपींस में तूफान का कोहरा, इमारतों को भारी नुकसान। फिलीपींस के कई शहरों में बत्ती गुल, बागियों में भूस्खलन, मलबा साफ करने में लोगों के पसीने छूट। अमेरिका के पूर्वी तट पर तूफान का हाहाकार, फ्लोरेंस तूफान में 13 की मौत। फ्लोरेंस अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तबाही, घरों और सड़कों पर पानी ही पानी। तूफान से अमेरिका के 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 40 इंच बारिश। रूस में सेना का सुरक्षा ड्रिल, कई टैंक्स ने लिया हिस्सा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।